ठीक। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑन ड्रैगोज रूल। इससे पहले कि हम ड्रैगोज रूल को करें, तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अच्छे पुराने वीडियोस पे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फ्री में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी पहुँचाओ। ठीक है, तो शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियोस को और मजे लो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो ड्रैगोज रूल बहुत सारी जगह आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो रूल को देख लेते हैं पहले। ड्रैगोज रूल कह क्या रहा है? बच्चों, ड्रैगोज रूल बोलता है कि अगर सेंट्रल एलिमेंट थर्ड पीरियड और उससे नीचे का है, ठीक है, थर्ड पीरियड और उससे नीचे का, इफ द सेंट्रल एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो, इफ द सेंट्रल एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो। थर्ड पीरियड और बिलो का मतलब या तो तीसरे पीरियड का हो या फिर चौथे पांचवे का भी हो सकता है। इफ द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो एंड द साइड एटम हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द साइड एटम हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 less than 2.5, then there will be no hybridization of central element, ठीक है, then there will be no hybridization of central element, ठीक है। तो पहले एक बार रूल को पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर इसको देखते हैं हम लगाना कैसे है। अगर सेंट्रल एलिमेंट आपका तीसरे पीरियड या उससे नीचे का है और साइड एटम जो उसके साथ जुड़ा है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, 2.5 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो हमें लगाना कहाँ है वो देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16। कहां लगाना है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में लगाना है। तो कौन सी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में? लिख देता हूं अमोनिया, ठीक है, फॉस्फीन इसके बाद आता है, फिर आरसीन हो जाएगा आपका, ASH3 और SBH3, ठीक है, बिस्मित नहीं ले रहे हम लोग, यहीं तक बात कर रहे हैं। ठीक है, 16 ग्रुप की अगर हाइड्राइड्स की बात करूं तो H2O, H2S, H2SC और H2T इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 15 और 16 ग्रुप की हाइड्राइड्स हैं। ऊपर वाली 15 ग्रुप की है और ये 16 ग्रुप की है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों में पहले दो कंपाउंड को देखोगे, पहले दो कंपाउंड मतलब इसका पहला और इसका पहला, यानी कि अमोनिया और वाटर, इनमें तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3, वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। ठीक है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम बात करते हैं बच्चों, ये सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी नाइट्रोजन की और इस केस में ऑक्सीजन की, इसकी भी कितनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अगर मैं इसके बाद वाले एलिमेंट्स की बात करूं, सपोज करो 15 ग्रुप की हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां सेंट्रल एलिमेंट है फॉस्फोरस, जो कि किसका है? थर्ड पीरियड का है। किसका है? थर्ड पीरियड का है, ठीक है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का था, फिर थर्ड के बाद कौन सा आएगा? ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ऐसे यहां पे ये किसका है? सल्फर, थर्ड पीरियड का है, अगेन सेलेनियम फोर्थ का है, और टेलूरियम किसका है? फिफ्थ पीरियड का है। तो दोनों कंडीशन हमारे यहां सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? जो सेंट्रल एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड और उससे नीचे का होना चाहिए, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। साइड एटम कौन है? यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है, सबको पता है। ठीक है,
तो इन सारी हाइड्राइड्स में यानी कि फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और H2S, H2SC, H2T सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन इस केस में नहीं होता। ठीक है, और इस वजह से क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है, आपको पता है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो ये होता नहीं है, है ना, पिरामिडल शेप होती है इसकी, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। और अगर मैं फॉस्फीन की बात करूं PH3 की, तो क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, यहां बॉन्ड एंगल जो आता है वो आता है 94 डिग्री। अब ये इतना बड़ा गैप क्यों आया, ये 13 डिग्री का गैप क्यों आया, क्यों, जबकि सब कुछ तो सेम है, यहां भी एक लोन पेयर है, यहां भी 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इतना ज्यादा गैप आ क्यों रहा है ये। ठीक है, इसी को समझाने के लिए ड्रैगोज रूल है। तो ड्रैगोज रूल ने कहा कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुई, मतलब कहने का ये है कि अगर फॉस्फोरस की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखोगे, फॉस्फोरस क्या है, नियॉन, ठीक है, और 3s2 3p3 यही है। तो अगर 3s2 को मैं लिखूं और ये हो गया आपका 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये है आपका फॉस्फोरस। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन आए, तीन हाइड्रोजन आए और तीनों ने आके इनके साथ बॉन्ड बना लिया। और किसके साथ बॉन्ड बनाए, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन ने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, यहाँ जो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने वो किसके साथ बनाए, प्योर पी के साथ बॉन्ड बनाए। और ये जो प्योर पी है आपको पता ही है क्या होंगे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। ठीक है, आपस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होता है। तो इसी वजह से अप्रोक्सीमेट जो बॉन्ड एंगल आता है, मतलब बॉन्ड एंगल तो कैलकुलेटेड आता है 94 डिग्री, बट हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल है, आर्सीन का बॉन्ड एंगल है, स्टिबीन का बॉन्ड एंगल है, वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो फॉस्फीन का आता है 94 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इस एंगल को मैं कितना बोल रहा हूँ, 94 डिग्री, तो नियर अबाउट 90 में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आर्सीन का और थोड़ा सा कम होता है, 93 हो जाता है, स्टिबीन का और कम होता है, ठीक है, ये हो जाता है आपका 91 डिग्री। तो इनमें तो देखोगे अगर आप बॉन्ड एंगल की गिरावट बहुत कम हुई, एक एक डिग्री कम हो रहा है, लेकिन वहाँ 107 से डायरेक्ट 94 डिग्री हुआ था, उसका रीज़न यही है कि वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ कोई टाइप की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ना वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे हैं पी के, वहाँ जो बॉन्ड बन रहा था वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल में इतनी गिरावट आती है। और दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, इसको तरीका हम एस कैरेक्टर से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये जो फॉस्फोरस का लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर जो मैं ये भी रख रहा हूँ, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लोन पेयर है ना ये प्योर एस में अवेलेबल है। कहाँ है, प्योर एस ऑर्बिटल में। ठीक है, उसका जो लोन पेयर था अमोनिया के केस में वो कहां पे था, sp3 में था। अमोनिया में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है। ठीक है, और यहां पे जो लोन पेयर है ये वाला लोन पेयर बच्चों प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये आसानी से जाएगा नहीं। आपको पता है एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, तो ये आराम से दे नहीं सकता अपना लोन पेयर। और अगर अपना लोन पेयर नहीं दे सकता तो एक प्रॉपर्टी है जो हम इस पे कंपेयर कर सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है लुईस बेसिसिटी। आपने लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़े होंगे, लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपना लोन पेयर दे देते हैं आराम से। तो अमोनिया तो दे देगा अपना लोन पेयर आराम से नाइट्रोजन, ठीक है, ये आराम से अपना लोन पेयर दे देगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है सिर्फ। ठीक है, बहुत कम है। लेकिन इसका जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, प्योर एस में, एस होता है न्यूक्लियस के करीब, तो ये अपना लोन पेयर नहीं देता आसानी से। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी, या फिर कह सकते हो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना, हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम अमोनिया की और यहाँ ले लेते हैं हम फॉस्फेट की, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो आपको पता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। यहाँ क्या लिखोगे आप, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने कंपेयर कर दी बॉन्ड एंगल, किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री, यहाँ कितना है 94 डिग्री, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 बोल देते हैं इसको। अब बात करते हैं इसकी लुइस बेसिसिटी की, मतलब बेसिसिटी होगी लोन पेयर जब देगा, ठीक है। तो मैंने बताया अमोनिया दे देता है आराम से अपना लोन पेयर, तो अगर अमोनिया का रिएक्शन में किसी H प्लस से कराऊं तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और NH4+ बहुत आसानी से बनता है अमोनियम आयन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही काम PH3 के साथ कराऊं तो ये हो तो जाएगा, रिएक्शन तो होता है लेकिन मुश्किल से होता है, मतलब टेंडेंसी कम है, ठीक है। तो आप लिखना लेस टेंडेंसी, ठीक है, ये कितनी है, लेस टेंडेंसी है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, तो लुइस बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो गई, अमोनिया की मोर हो गई, है ना, लुइस बेसिसिटी इसकी मोर हो गई, इसकी लेस हो गई कंपैरेटिवली, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर या सॉल्युबिलिटी कह सकते हो आप, है ना, यहां पे हम सॉल्युबिलिटी कह लेते हैं, रिएक्शन विद वाटर नहीं कहते। अमोनिया तो वाटर के साथ कर लेता है रिएक्शन और क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+OH-, आसानी से होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन फॉस्फीन का कराओगे तो नो रिएक्शन, ठीक है, आगे समझ में, बढ़िया, मजा आया। अच्छा, मैंने 15th ग्रुप की हाइड्राइड्स को कंपेयर किया, आप 16th में भी कर सकते हैं, 16th में भी जो आपकी H2S है वहां पे 92 डिग्री के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, H2SC ऑलमोस्ट 91 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और जबकि H2O में कितना है, H2O में कितना है बॉन्ड एंगल, 104.5 डिग्री, ठीक है, तो अच्छा खासा गैप है, कितना 12 डिग्री का गैप हो गया लगभग, ठीक। तो ये किससे समझा सकते हो आप, ड्रेगोज रूल से समझा सकते हो। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने बेंड्स रूल डिस्कस करा और मॉडिफाइड बेंड्स रूल डिस्कस करा, आज हमने डिस्कस करा है क्या, ड्रेगोज रूल। तो आई होप ये सारे समझ में आ गए होंगे। बेंड्स रूल की जो वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, तो पहले वो देख लेना, बहुत काम आने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ, खासकर जेई मेन्स और नीट वालों के लिए, ठीक है। नीट में इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आता बट इनडायरेक्ट आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराई हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फॉस्फीन की होगी, फिर आरसीन की होगी, ठीक है। जबकि बच्चे को लगेगा कि नीचे जाते हुए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो इस हिसाब से तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए नीचे जाते हुए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रीजन यही है, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो बेंड्स रूल देखेंगे, दोनों वीडियोस बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, और फिर उसके बाद ड्रेगोज रूल देखेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर।